नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। पिछला सप्ताह लूनर एक्लिप्स अर्थक्वेक आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया। लूनर एक्लिप्स के मैंने काफ़ी सारे उपाय भी बताए कि उस समय लूनर एक्लिप्स के टाइम पे क्या क्या सावधानी, क्या क्या दान, क्या क्या करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वो उपाय भी किए होंगे, साथ में जो मैंने वीकली राशि के हिसाब से जो उपाय बताए थे वो भी किए होंगे। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए किस प्रकार रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, शुभ रत्न है मोती, शुभ दश है दोमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। ये सप्ताह कैरियर के हिसाब से समय अनुकूल है। आपको केवल अपने कार्य और अपने आय को बढ़ाने में ध्यान देना है। आर्थिक लाभ मिलने के योग है। नए स्रोत भी आए के आपको मिलेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है। इस सप्ताह छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एकाग्रता बनाए रखना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिर्फ उसी पर एकाग्र होकर कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार करने के लिए समय अच्छा है, परंतु घर के किसी बड़े बुजुर्ग से किसी विषय पर वाद विवाद हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। धार्मिक कार्यों में और क्रियाओं में आपकी सक्रिय भूमिका बढ़ेगी। सेहत दुरुस्त रहेगी। तो देखा जाए सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि देर रात्रि तक ना जागें, घर में दूषित जल का संग्रह ना करें, सफ़ेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे जो हैं घर के अंदर लगाकर उनकी देखभाल जरूर करें। हरे रंग से आपको दूर रहना है। जरूरतमंदों के बीच में कंबल बांटना आपके लिए शुभ कार्य होगा। गले के अंदर अशुगंधा की जल को धारण करना शुभ कार्य रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा भक्ति से आप भगवान शिव को पूजा करें। शनिवार के दिन साबुत उड़द, काला कपड़ा, सरसों का तेल, लोहा, लकड़ी और कोयले का दान करें। अपने बटुए में हमेशा चांदी के चौकोर आकार का टुकड़ा जरूर रखें। घर के अंदर अलमीरा कैश बॉक्स जो है उसके अंदर भी चांदी का टुकड़ा रखना शुभकारी रहेगा। जब भी संभव हो सके आप काले रंग की गाय को फीड करें। चांदी और चावल का दान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मटकी में दूध भरकर रखें। कुछ लोगों की सेवा करना, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श करना, ये कुछ उपाय हैं जो इस राशि के जातक यदि करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। हमेशा की तरह से जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको अपने आचार विचार अच्छे रखने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, न बुरा सोचना है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। इस तरीके की बातें यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, हालांकि इन चीज़ों से जैसे हम इंसान हैं तो पृथ्वी पे अगर रहते हैं तो इस समय आसपास का एनवायरनमेंट हमें इम्पैक्ट करेगा। हम अपने अराउंड अगर नेगेटिव चीज़ें हमारे विरुद्ध अगर आती हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पीस ये है कि हमें अपने माइंड का संतुलन उस समय बना के रखना है। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव कर्मास करते हैं तो उससे आपका टोटल सम बैलेंस ऑफ नेगेटिव वो बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी कम होती है, उससे आपको और अधिक परेशानियां और अधिक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ झेलने पड़ते हैं। तो किसी के बुरा करने से, किसी के नेगेटिव थॉट करने से आप इम्पेक्टेड ना हो एज ए ह्यूमन डिफिकल्ट है, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड की नेगेटिविटी, आपके ग्रहों की नेगेटिविटी, जो उनके डिफरेंट प्लैनेट के कंजंक्शन से जो आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आप हमेशा एक समान रहेंगे और किसी भी कार्य को, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह, आने वाले टाइम आपके लिए शुभकारी और मंगलमय रहे। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।